केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का और भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले वाले वीडियो की बात करूं तो पर्टिकुलर वीडियो में हम बात कर चुके हैं उपसहसचिव रसायन के अंतर्गत मीन्स उपसहसचिव यौगिकों के लिए पर्टिकुलर नामकरण कैसे होता है। इससे पहले भी बहुत कुछ बातें कर चुके हैं उपसहसचिव यौगिकों के बारे में। आज जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो कि आपको कोई भी नाम दे करके उसका संरचना सूत्र पूछे तो आप उसका संरचना सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे उसके लिए जानेंगे। तो यह आता आपके पास में सूत्र निर्माण करना। सूत्र निर्माण करना किसके लिए? उपसह संयोजी यौगिकों के लिए। उपसह संयोजी यौगिकों के लिए सूत्र का निर्माण करना है। इसके लिए ध्यान रहे, हमेशा जब भी आप उपसहसचिव यौगिक का सूत्र का निर्माण करें तो धनायन हमेशा लेफ्ट साइड में, ऋणायन हमेशा राइट साइड में आना चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले आप धातु परमाणु का यूज करेंगे, धातु परमाणु। उसके बाद में आप लिगेंड जो काम में लेंगे तो लिगेंड में आपके पास में सबसे पहले आएगा नेगेटिव, फिर आएगा न्यूट्रल बोले तो उदासीन, और फिर आएगा आपके पास में पॉजिटिव लिगेंड। इस क्रम का ध्यान रखें, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। इसी क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूं और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन गिवन है हमें, टेट्राएमीन, ये आता है टेट्राएमीन कोबाल्ट, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये आपके पास में कंपाउंड का नेम दिया हुआ है। सबसे पहले आप ये देखें कि दिए गए यौगिक में क्या जुड़ा हुआ है। अगर हम ऑक्सीकरण अंक के बाद में कुछ जुड़ा हुआ है तो वो ऋणायन जुड़ा हुआ है। ऋणायन यहाँ पे क्लोराइड है तो ये कर दिया आपने, सबसे पहले Cl माइनस क्लोराइड आ गया। उसके बाद में धातु परमाणु आ रहा है कोबाल्ट, तो यहाँ पे आपने कोबाल्ट के लिए CO कर दिया। एमीन उदासीन लिगेंड है, अगर एक से ज्यादा उदासीन लिगेंड है तो यहाँ पे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार काम में लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला बोले तो अल्फाबेटिकली, तो यहाँ एमीन का AMM और एक्वा का AQ, तो एमीन पहले आता है इसमें, तो ये कर दिया आपने टेट्रा एमीन, NH3 कर दिया आपने होल 4। फिर डाई एक्वा, तो डाई एक्वा के लिए आपने कर दिया H2O का होल 2। कोबाल्ट आ चुका है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आपके पास में यहाँ आती है थर्ड। NH3 का 0 होता ऑक्सीकरण अंक, H2O का भी 0 होता ऑक्सीकरण अंक, तो ओवरऑल आपके पास में क्या जाएगा, CO NH3 का होल 4, H2O होल 2, और ये आ गया आपके पास में +3। ये आ गया Cl माइनस, +3 को उदासीन करना है Cl माइनस के थ्रू, तो यहाँ 3 Cl की रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी आपके पास में फार्मूला हो जाएगा CO NH3 का होल 4, H2O होल 2, और ये हो जाएगा आपके पास में Cl3। ये था आपके पास में पर्टिकुलर पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे बनाते हैं। सेकंड कंपाउंड की इसी में बात करने जा रहा हूं, वो आपके पास में पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड कंपाउंड आता है पोटेशियम टेट्रासाइनो कह दो या साइनिडो कह दो, मैं पहले ही बता चुका हूं, निकिलेट और ये आपके पास में सेकंड। सबसे पहले बात करें तो हमें यह पता करना है कि कैटायन जुड़ा हुआ या एनायन। ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में कोई कुछ भी नहीं है, इट मींस यहाँ पे एनायन नहीं है इस यौगिक की तरह। गैप देकर के दिया हुआ है तो हम पहले बात कर चुके हैं कोई कैटायन है धनायन है, तो यहाँ कर दिया आपने K+ पोटेशियम, बाकी मटेरियल ब्रैकेट का है तो ये कर दिया आपने निकिलेट Ni। टेट्रासाइनो चार साइनो कर रखा है तो 4Cn कर दिया, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ रहा है, Cn का माइनस वन होता है 4 के लिए, -4 होगा, यहाँ आपके पास में आ जाएगा K+
और ये आ जाएगा आपके पास में एन आई सी एन होल फोर, और ये टू माइनस माइनस फोर प्लस टू माइनस टू आ गया आपके पास में। उदासीन करने के लिए पोटेशियम के दो स्पीसीज चाहिए, तो अब इसका फॉर्मूला होगा आपके पास में के टू एन आई सी एन होल फोर। ये था आपके पास में सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसी के अलावा बात करूं तो पोटेशियम टेट्रासाइनाइड न्यूक्लियेट के बाद में ये आता आपके पास में ट्रिस, थर्ड क्वेश्चन ट्रिस ब्रैकेट में एथेन वन टू डाई अमीन, ट्रिस एथेन वन टू डाई अमीन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में देखा है क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, क्रोमियम क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड इसका नाम दे रखा है। नो डाउट आक्सिक अवस्था के बाद में क्लोराइड आ रहा है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर एनायन यानी कि रेनायन, या आ गया आपके पास में सीएल माइनस प्लस करके। धातु परमाणु और आपके पास में क्रोमियम सीआर कर दिया, ट्रिस इथेन वन टू डायमीन ई एन एक ऐसा लिगेंड है जिसमें पहले से ही डाइट्राई जुड़ा होता तो इसके टोटल नंबर तीन के लिए ट्रिस यूज करते हैं, तो यहां पर ई एन आपने कर दिया होल थ्री। सीआर के लिए आक्षिक अवस्था आती है प्लस थ्री, ई एन का जीरो होता है, तो इस स्थिति में फार्मूला हो गया सी आर ई एन होल थ्री प्लस थ्री चार्ज, और यह सी एल माइनस। उदासीन करने के लिए तीन सी एल की जरूरत होगी, तो अब आपके पास में फार्मूला हो जाएगा सी आर ई एन होल थ्री, और यह आ गया आपके पास में सी एल थ्री। ये था आपके पास में थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसी सीक्वेंस में हम आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एमी फोर्थ क्वेश्चन। ये कुछ इस प्रकार से है, एमीन ब्रोमीडो क्लोरीडो ब्रोमीडो ब्रोमीडो क्लोरीडो ब्रोमीडो क्लोरीडो, उसके बाद में क्या रखा आपको नाइट्रेटो नाइट्रो एंड प्लेटिनेट, सेकंड नाइट्रो एंड प्लेटिनेट सेकंड। ये था आपके पास में पर्टिकुलर कंपाउंड का नेम एंड प्लेटिनेट सेकंड। देखते हैं साहब, सबसे पहले आपको हाँ रेनायन नहीं है ना ही धनायन है, तो पूरा मैटर यानी कि ब्रैकेट का है, ले लिया ब्रैकेट का मैटर। धातु परमाणु आपको प्लेटिनेट के रखा यानी कि प्लेटिनम है, एमिन ब्रोमिडो अल्फाबेटिकली अरेंज है तो ये एन एस थ्री कर दिया। सबसे पहले सीक्वेंस बताया ना आपको, नेगेटिव लिखना है फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव लिगेंड ले ले पहले आप, तो नेगेटिव में आपके पास में ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रो आता है, तो ब्रोमिडो का बी आर ले लिया, क्लोरिडो का सी एल ले लिया, नाइट्रो का आपने एनओ टू ले लिया, उसके बाद में नाइट्रो का एन यानी कि दाता परमाणु है वो हमने एन ले लिया, अदरवाइज ये नाइट्रीटो होता तो ओ होता। उसके बाद में आता है एमीन, तो एमीन के लिए आपने ये कर दिया एन एच थ्री। चार्ज देखें तो प्लेटिनम के लिए आक्सीकरण अवस्था आपके पास में प्लस टू है सेकेंड, इसलिए बी आर का माइनस वन सी एल का माइनस वन एनओ टू का भी माइनस वन एन एच थ्री का जीरो, तो माइनस थ्री में से प्लस टू जाएगा तो आपके पास में रिमेनिंग रहेगा पी टी बी आर सी एल एनओ टू और ये एन एच थ्री ब्रैकेट क्लोज, यहाँ चार्ज लग जाएगा माइनस। ये थे आपके पास में चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी सीक्वेंस में भी और क्वेश्चंस की बात करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखें, जहां कहीं भी डाउट आता है आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करेंगे, कुछ अलग हटके भी क्वेश्चंस होंगे जिनको आप ध्यान से
अच्छे से सुने, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा लिगेंड और लिगेंडों की आक्षिकरण अवस्था को ज्ञात किए बिना आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली होगी और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि चैप्टर बड़ा ही ईजी है और क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इस पर। तो इसी सीक्वेंस में फिफ्थ क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास में आता है, फिफ्थ क्वेश्चन, डाइक्लोरीडो बिस, डाइक्लोरीडो बिस एथेन 1,2-डायमीन, एथेन 1,2-डायमीन ब्रैकेट क्लोज, प्लैटिनम फोर्थ नाइट्रेट। ये आपके पास में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रेट की बात करूं तो आपके पास में आता है NO3-, बाकी मटेरियल ब्रैकेट का कुछ इस प्रकार से। यहाँ धातु परमाणु आता है आपके पास में प्लैटिनम, क्लोरीडो नेगेटिव लिगेंड है, पहले आएगा Cl2 कर दिया, उसके बाद में उदासीन बिस कर रखा है En को, तो ये En का Hol2 कर दिया, Pt का ऑक्सीकरण अंक 4 कर रखा है, ये +4 कर दिया, यहाँ Cl का -1 होता है, 2 Cl के लिए -2 हो गया, En का 0, एस्टीमेट आपके पास में आता है Pt, Cl2, En2, +4 में से -2 गया, तो यहाँ +2 आएगा, NO3 पर चार्ज -1 है, 2 से गुणा कर दे प्लस माइनस को बैलेंस करने के लिए, ये हो जाएगा Pt, Cl2, En2 और ये कर दिया NO3 होल 2। ये था आपके पास में पर्टिकुलर डाइक्लोरीडो बिस एथेन 1,2-डायमीन प्लैटिनम फोर्थ नाइट्रेट के लिए। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्स क्वेश्चन की दे रखा आपको। सिक्स क्वेश्चन, आयरन थर्ड हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड। सबसे पहले आप देखें पर्टिकुलर कि कॉम्प्लेक्स से पहले ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में कुछ नहीं है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स से पहले धातु परमाणु है, आयरन जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 दी हुई है, तो ये आ गया आपके पास में Fe+3। बाकी मटेरियल ब्रैकेट का, इसमें भी फेरेट है Fe, हेक्सासाइनो 6 Cn के रखे हैं, ये कर दिया, Fe का ऑक्सीकरण का आपको दे रखा है +2, 1 Cn के लिए -1, 6 के लिए -6 हो जाएगा, तो इस स्थिति में आपके पास में होगा माइनस के 6 में से प्लस का 2 जाएगा, तो आपके पास होगा Fe Cn होल 6 4-। यहाँ आ गया आपके पास में Fe+3। अब चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ की ऑक्सीकरण अवस्था को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ की ऑक्सीकरण अवस्था को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12, 3 4 12, प्लस का 12 और माइनस का 12 कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला हमेशा इसकी टोटल नंबर को बेस में लिखते हैं, तो Fe4, यहाँ Fe Cn होल 6 और ये 3 ले रहे हैं तो ये बेस में 3 आ जाएगा। ये थी बात आपके पास में आयरन थर्ड हेक्सासाइनिडो या हेक्सासाइनोफेरेट के लिए। सिक्स क्वेश्चन, इसी क्रम में सेवन क्वेश्चन की बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन। क्या कहना चाह रहा है सेवन क्वेश्चन, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड के रखा है, तो इस क्रम में आप सबसे पहले ZN ले ले, हाइड्रोक्सो के रखा है तो OH कर दे, टेट्रा के रखा है तो 4 कर दिया, ध्यान दीजिएगा OH पे चार्ज -1 होता है, तो ZN का चार्ज आ गया +2, ऑक्सीडेशन स्टेट OH का -1, चार्ज OH के लिए -4। इस सीक्वेंस में आपके पास में होगा ZN OH का होल 4, -4 में से +2 गया तो -2 आपके पास में पर्टिकुलर इसका चार्ज होगा। इसी सीक्वेंस में
अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपके पास में, वो क्या आता है, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट आपके पास में आता है। तो इस सीक्वेंस में बात करें तो यह आता आपके पास में सल्फेट, तो सल्फेट को आप एनायन के फॉर्म में लें, SO4-, कोबाल्ट के रखा है तो CO कर दिया, हेक्साएमीन तो NH3 का होल 6 कर दिया आपने, ये हेक्साएमीन के नाम से जाना जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था इसकी +3 के रखी तो ये +3 कर दिया, NH3 का 0 यहाँ बैलेंस किया तो CO NH3 होल 6, ये +3 और यह आ गया आपके पास में SO4-, यहाँ इसकी ऑक्सीजन अवस्था को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी ऑक्सीजन अवस्था को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2-3 + 6 और 3-2 + 6 बैलेंस हो गया। कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा CO NH3 का होल 6 होल 2 और ये SO4 के लिए आपके पास में हो जाएगा होल 3। ये था आपके पास में हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट के लिए। इसी सीक्वेंस में एक क्वेश्चन की और बात करें तो वो आता आपके पास में पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो प्लैलेडेट सेकंड, पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो प्लैलेडेट सेकंड के नाम से जाना जा रहा है। गैप आ रहा है, इसका मतलब पोटेशियम कैटायन है, धनायन है। उसके बाद में टेट्राक्लोरिडो प्लैलेडेट होता है, पैलेडियम PD कर दिया, ऑक्सीजन अवस्था +2 कर दी, टेट्राक्लोरिडो 4 क्लोरिडो कर दिए जिनका चार्ज -4 आ जाएगा, -4 में से प्लस का 2 जाएगा तो आपके पास में बचेगा PdCl4, यहाँ चार्ज रहेगा 2-, ये पोटेशियम आ गया, K+ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा आपके पास में K2PdCl4। ये था आपके पास में 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बाद में जो नॉमेनक्लेचर उसके बाद में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जो कि बोर्ड क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, राजस्थान बोर्ड में और CBSE हिंदी मीडियम में भी। सो सी द ऑल द एग्जाम्पल्स। इसी सीक्वेंस में 10th क्वेश्चन की बात करें, 10वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है अच्छे से समझें क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आता आपके पास में 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 10th क्वेश्चन आपको कहना चाह रहा है पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड क्या रखा है तो ये आ गया आपके पास में क्रोमेट और ये थर्ड। पार्टिकुलर पोटेशियम के लिए आप करेंगे K+, ट्राई ऑक्सलेटो कह रहा है तो क्रोमेट के लिए क्रोमियम Cr कर दिया, ऑक्सलेट के लिए C2O4 होता है, C2O4 पर चार्ज -2 होता है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं COO-COO-। Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +3 के रखी है, एक C2O4 के लिए चार्ज -2
तो पर्टिकुलर ट्राई ऑक्सीलेटिव का रखा है तो थ्री कर दिया, थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा माइनस का। इस सीक्वेंस में आपके पास में क्रोमियम आ जाएगा, सी टू ओ फोर होल थ्राइस हो गया, माइनस सिक्स में से प्लस का थ्री गया तो माइनस थ्री, पोटेशियम आ गया प्लस वन, इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का थ्री माइनस का थ्री कैंसिल, तो फार्मूला होगा आपके पास में के थ्री सी आर सी टू ओ फोर होल थ्राइस। आप चाहें तो इसको यूं भी कर सकते हैं के थ्री, ये आ गया क्रोमेट के लिए सी आर, और ऑक्सलेट के लिए आप ओ एक्स भी यूज कर सकते हैं, तो ये कर दिया आपने क्योंकि ओ एक्स पे चार्ज टू माइनस होगा, ऑक्सलेट को ओ एक्स से भी डिनोट करते हैं। इसी सीक्वेंस में एलेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो एलेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में आता है डाईअमीन डाई क्लोरिडो, ये आ गया आपके पास में डाईअमीन डाईअमीन डाइक्लोरिडो डाइअमीन डाइक्लोरिडो डाइअमीन डाइक्लोरिडो। उसके बाद में प्लैटिनम सेकंड, यह आता है प्लैटिनम सेकंड प्लैटिनम सेकंड। तो ना तो धनायन है ना ही ऋणायन है। इस सीक्वेंस में सबसे पहले आप ब्रैकेट लें, ब्रैकेट में धातु परमाणु पीटी लें, डाई अमीन डाई क्लोरिडो, क्लोरिडो आ रहा है, नेगेटिव लिगेंड को पहले लें सी एल टू, उदासीन को बाद में ले लें एन एस थ्री का होल टू, यहाँ प्लेटिनम आ चुका है, प्लेटिनम की आक्षिक अवस्था प्लस टू के रखा है सी एल का माइनस वन, तो दो सी एल के लिए यहाँ कुछ माइनस टू होगा और ये जीरो, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। फार्मूला होगा आपके पास में पी टी सी एल टू एन एस थ्री का होल टू। ये था आपके पास में एलेवंथ क्वेश्चन। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट सेकंड, ये तो बात हो चुकी है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको मर्क्यूरी सेकंड, मर्क्यूरी फर्स्ट, कुछ इस प्रकार से ट्वेल्थ क्वेश्चन, या था आपके पास में मर्क्यूरी मर्क्यूरी फर्स्ट, उसके बाद में टेट्रा टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट थर्ड, टेट्रा थायो साइनेटो कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड का रखा है। इसी सीक्वेंस में मर्क्यूरी के लिए आप लोग लेंगे एच जी प्लस फर्स्ट के रखा है, टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्टेट कोबाल्टेट के लिए कोबाल्ट आ गया, थायोसाइनेटो के लिए एच सी एन आ गया, टेट्रा के रहा चार आ गया आपके पास में, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आ रहा है, एच सी एन पे चार्ज होता है माइनस वन, तो चार के लिए यहाँ माइनस चार हो जाएगा, माइनस चार प्लस का तीन, उस स्थिति में हम इसको यहाँ ले लें, यह आ गया एच जी प्लस वन, यह आ गया सी ओ एस सी एन का होल फोर, एच सी एन का होल फोर, यहाँ माइनस फोर में से प्लस का थ्री जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन इस प्लस वन से बैलेंस हो जाएगा तो आपके पास में जाएगा एच जी सी ओ एच सी एन का होल फोर। ये होगा आपके पास में स्ट्रक्चर नंबर 12। इसी में बात करें तो स्ट्रक्चर नंबर 13 की तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्या कहना चाह रहा आपको क्वेश्चन दे रखा आपको, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे हम जो कि आपको काफी हेल्प कर सके। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कह रखा है ट्रिस, ये कह रखा है ट्रिस ट्राइफिनाइल, ट्रिस ट्राइफिनाइल, या इसको हिंदी में ही लेंगे तो ये हो जाएगा ट्रिस ट्राइफेनिल, ट्रिस ट्राइफेनिल, ट्रिस ट्राइफेनिल फॉस्फीन,
फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, रोडियम फर्स्ट क्लोराइड, रोडियम फर्स्ट क्लोराइड, फिर से ऑक्सीकरण अवस्था के बाद भी कुछ आ रहा है, इसका मतलब वो रेनायन उपस्थित है। तो ये आ गया आपके पास में क्लोराइड के लिए सी एल माइनस, ट्राइफिनाइल क्या रखा, रोडियम के लिए हो गया आर एच, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन के लिए होगा पी एच, ये आ गया कुछ इस प्रकार से पी एच होल थ्री, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे पी एच होल थ्री पी, ये ट्राइफिनाइल फॉस्फिन आ गया। तो इसके रखा है तो उसकी टोटल नंबर थ्री कर दी, रोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कह रखी है प्लस वन, तो यहाँ कर दी प्लस वन, इस पोजिशन में यहाँ आर एच, ये हो गया आपके पास में पी एच होल थ्राइस पी, ये ब्रैकेट क्लोज थ्री, और यहाँ चार्ज आ गया आपके पास में प्लस वन क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, और ये कर दिया सी एल माइनस, प्लस माइनस कैंसिल होकर के यहाँ देगा आर एच पी एच का होल थ्राइस पी, और ये होल थ्राइस ये कर दिया आपने सी एल, ये आपके पास में जाना जाता है पर्टिकुलर ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट क्लोराइड के नाम से। इसका दूसरा नाम एक और है, इसको विल्किंसन 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 उत्प्रेरक भी कहते हैं, जो कि अपने आप में अपचयन अभिक्रियाओं में काम में आता है, विशिष्ट अपचयन अभिक्रियाओं में। इसी सीक्वेंस में हम बात करें तो एक और क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है आपको पोटेशियम पोटेशियम क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस प्रकार से पोटेशियम, उसके बाद में आपको कहना चाह रहा है टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सोक्रोमेट, टेट्राफ्लोरिडो ये आ गया टेट्रा फ्लोरिडो ऑक्सोक्रोमेट, ऑक्सोक्रोमेट और ऑक्सीकरण अवस्था दी हुई है इसकी पर्टिकुलर हमको फोर्थ, ऑक्सीकरण अवस्था हमें दी हुई है इसकी फोर्थ दी हुई है, फोर्थ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिफ्थ कर दें इसको ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। पोटेशियम कह रखा है तो ये के प्लस कर दिया, उसके बाद में धातु परमाणु आपको कह रखा है क्रोमियम, क्रोमियम की क्या रखी है प्लस फाइव, फिर कहना चाह रहा आपको टेट्राफ्लोरिडो ऑक्सोक्रोमेट के रखा है, तो फ्लोरिडो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरिडो एफ ऑक्सो ओ बाद में अल्फाबेटिकली, तो ये कर दिया एफ फोर और ये कर दिया आपने ऑक्सो, यहाँ इसका निकाले तो माइनस सिक्स और ये माइनस टू, उस पोजिशन में यहाँ आपके पास में माइनस सिक्स और माइनस टू, सॉरी माइनस फोर और माइनस टू, क्योंकि ऑक्सीजन का चार्ज माइनस टू होता है, फ्लोरिन का माइनस वन, चार के लिए माइनस फोर, यहाँ आपके पास में रिमेनिंग रह जाता है पर्टिकुलर माइनस का वन, ये प्लस का फाइव है इसलिए, तो ये इससे बैलेंस हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये हो जाएगा सी आर, ये हो गया एफ फोर और ये था ओ, ये यहाँ पर प्लस माइनस का छः, ये प्लस का पाँच, माइनस का वन हो गया, प्लस का वन कैंसिल होकर के आपके पास में फार्मूला ये आता है। ये थी बात आपके पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कि किस प्रकार से उपसंयोजी यौगिकों का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो, पर्टिकुलर नाम दिया हुआ हो तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सभी भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों, आप सभी से हार्दिक रिक्वेस्ट यही है कि आप इनकी ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इनको प्रैक्टिस किए बिना, क्योंकि मैंने कहा ना आपके पास में क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी जरूर होती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी काफी कुछ काफी हद तक पूछा जाता है। इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग कंटिन्यू रखिए, प्लस इन सब पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल पे काफी कुछ मैंने अपलोड कर दिया, काफी चैप्टर्स अपलोड होते जा रहे हैं, इसके बाद में जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे और इसके साथ साथ और भी कई चैप्टर्स की बात करें, पहले हम उन चैप्टर की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में ट्वेल्थ में, उसके बाद में बचे हुए क्वेश्चन बचे हुए चैप्टर्स जो कि नियर फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में नीट और आईआईटी में काम में आएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।